स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आइए, आज से हम क्लास 12 का डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज फॉर्मूला को रिवाइज कराते हैं, कल से चैप्टर का सवाल डालते जाएंगे, आप लोगों से सीखते जाइएगा और मुझे जो सवाल नहीं बने कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आज फार्मूला को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला का आप कोई भी सवाल नहीं बना पाइएगा। फार्मूला हमारा हथियार है, हो सके आप लोगों को फार्मूला याद ही होगा, फिर भी फार्मूला के बाद रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन, इसे हिंदी में अवकलन कहते हैं, ये पार्ट वन है। तो क्योंकि आज फार्मूला बता रहे हैं इसलिए पार्ट वन लिख रहे हैं क्लास 12 मैथ का। पहला है अलजेब्रिक फॉर्मूला डी एक्स पर पावर एन बाय डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स पर एन माइनस वन, जो पावर रहेगा पावर को आगे लिख देना है, एक घटा देना है। डी सी बाय डी एक्स, सी मीन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। यहाँ सी के यहाँ में कुछ भी रहे, दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यानी कि एक्स नहीं रहे तो मान जीरो होगा। ए पर पावर एक्स बाय डी एक्स, अब कांस्टेंट पर पावर अगर एक्स दे दे तो फॉर्मूला होगा ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स, यहाँ पर ई एक्सपोनेंट है, ई पर पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तब डी बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में कहते हैं डी बाय डी एक्स होता है ई पर पावर एक्स ही। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाय एक्स, एक्स पर पावर वन बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाय टू रूट एक्स। ये फॉर्मूला इस पर आधारित है, ये सहूलियत के लिए हम ये लिख दिए ताकि सवाल बनाते समय हम इसका यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है, त्रिकोणमिति में क्या क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी बाय डी एक्स क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन minus cosec x into cot x। अगर u into v के फॉर्म में कोई सवाल दिया रहे, दो टर्म रहे u into v के फॉर्म में, तो होगा u पहले लिखना है into second टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस देंगे, फिर second टर्म को लिख देंगे और u का करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि पहला टर्म का डिफरेंशिएशन, u dv by dx plus v du by dx। U by V, ये गुना के रूप में था, ये भाग के रूप में है, तो हो जाएगा V du by dx minus U dv by dx by V square, मतलब जो by में रहेगा उसका स्क्वायर करना है। इनवर्स में sin इनवर्स x, ये माइनस वन को बोलते हैं इनवर्स, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x, ये माइनस वन को बोलेंगे इनवर्स, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स, जो साइन का था वही होगा, खाली यहाँ माइनस जाएगा, माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो टेन का है वही cot है, खाली माइनस पड़ेगा। sec इनवर्स x का वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, आप चाहे तो इस एक्स में मोड का साइन भी दे सकते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो सेक था वही कॉसेक खाली माइनस। अब यू भी डब्ल्यू, अगर तीन टर्म अगर रहे उसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो यू भी डब्ल्यू, पहले यू भी को लिख लेंगे और थर्ड मतलब डब्ल्यू का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस भी डब्ल्यू लिख लेंगे और u का करेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि du by dx, फिर u w मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का लिख लेंगे प्रोडक्ट और v का करेंगे डिफरेंशिएशन। इस प्रकार बच्चों इन सभी फॉर्मूला को आप याद करें, कल से मैं आपको रूल वाइज सवाल बताते जाऊंगा ताकि आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप किताब के सवालों को मेरे बताए हुए रूल पर बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सवालों को बताऊंगा। तब तक मेरे फॉर्मूला को सब याद करें, आप लोगों को याद होगा ही, फिर भी रिवाइज कर लें एक बार, ताकि बिना फॉर्मूला का आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। टिल देन गुड बाय।